की मुलाकात कराएंगे एक होनहार स्टूडेंट से जिन्होंने बनाया है जी हेल्प ऐप। हेल्प ऐप एक लाइफ सेविंग ऐप है विद अनप्रेसिडेंटेड फंक्शनैलिटीज़। ये क्या क्या फंक्शंस में आपको हेल्प कर सकता है, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हशाम बिन गुफैरी जो कि स्टूडेंट हैं ए लेवल्स के एट द रूट्स आईवी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हशाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर हशाम। मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी ऐप है इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, बिकॉज इट इज़ हाईली रिगार्डेड टू हैव वेरी न्यू फीचर्स, तो मुझे बताएं कि ये क्या है ऐप। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो हेल्प ऐप बेसिकली इज़ अ फुल फ्लेज लाइफ सेविंग ऐप, और ये एक कम्प्लीट सोशल हेल्प सिस्टम है जिससे लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट लोगों की हेल्प कर सकती है, और ये बेसिकली फुल स्पेक्ट्रम हेल्प ऐप है। तो ये सारे केसेस को कवर करती है, नेम एनी इमरजेंसी, नेम एनी क्राइसिस सिचुएशन, उसको ये कवर करती है, उसके अंदर आपको ये प्रोवाइड कर सकती है हेल्प। सही। तो बेसिकली जो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपस में एक दूसरे को जो लोग हेल्प करते हैं उनको मिलाना है बेसिकली। सही। अच्छा मुझे बताइए कि व्हेन यू से हेल्प, तो पीपल हु आर आस्किंग फॉर हेल्प वो इस ऐप पे साइन अप करेंगे, या ये एक ऐसी यू नो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग किसी की मदद करना चाहते हैं या किसी ऐसे शोबे से मुंसलिक हैं कि दे कैन एक्सटेंड देयर असिस्टेंस टू अदर पीपल, वो भी इसमें अपने आप को साइन अप कर सकते हैं? थोड़ा सा इसके खदोखाल अगर हमें बताएं। ये बेसिकली इसका जो इसके अंदर दोनों टाइप के यूज़र्स आ सकते हैं, जो जिनको हेल्प चाहिए और जो हेल्प करना चाहते हैं, दोनों एक ही तरीके के साइन अप प्रोसेस से गुजरते हैं। वो थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह देते हैं, अपनी फ़ोन नंबर देते हैं बेसिकली, और वो साइन अप हो जाता है उनका। तो वो हेल्प भी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं, और दे कैन रिक्वेस्ट फॉर हेल्प एज वेल। अच्छा, इसके अंदर वॉलंटरी सर्विसेज एज वेल एज हुकूमती इदारे, यानी आप पुलिस हो, गवर्नमेंट हस्पताल हो, एम्बुलेंस सर्विस हो, ये तमाम ही लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं। मुझे बताइए खसूसी तौर पे यहाँ पे पूछना चाहूँगी हशाम, जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, क्राइसिस में तो कोई भी आ सकता है, क्राइसिस में कोई ऐसा शख्स जो बोलने या सुनने या देखने की कुव्वत से महरूम हो, क्या उसको भी हेल्प ऐप मदद दे सकती है? जी जी, इसके अंदर हम एक फीचर अभी डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर जो फॉर एग्जांपल जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी होगी कि वो फ़ोन निकाल सकते हैं अपना, फ़ोन पे वो दे कैन रेज़ अ हेल्प फ्लैग, और जो लोग होंगे जो हेल्पर्स हैं बेसिकली जो पैसे यूज़र्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, एक कॉल चली जाएगी, दे कैन असिस्ट देम वी द फ़ोन, और वो उनको बता सकते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल किस कोई काम करना है उन्होंने, और वो अपना फ़ोन निकाल के दिखा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। और अगर पूछते हैं जो ब्लाइंड पीपल हैं, दे वांट हेल्प, दे वांट असिस्टेंस, के वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं क्या चीज़ है मेरे सामने पड़ी हुई, तो वो अपना फ़ोन निकाल सकते हैं एंड दे कैन रिकॉर्ड दैट, और फिर अगला जो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा होगा वो उनको फ़ोन पे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और आप क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या इसमें जो जियोग्राफिक लोकेटर है उसकी क्या सूरत हाल होगी, यानी अगर मुझे मिसाल के तौर पे मैं इस ऐप पे साइंड अप हूँ, पाकिस्तान में मौजूद हूँ, तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ क्राइसिस में या इमरजेंसीज में हेल्प करने वाली जो सहूलतें वो मेरे साथ लिंक्ड हैं, बट इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल आई ट्रैवल टू यूके और इफ़ आई ट्रैवल टू यूएई और ये ऐप मेरे पास डाउनलोडेड है, क्या ये ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज से कनेक्ट कर देगी? जी जी, ये बेसिकली ये जो हेल्प ऐप है इट्स अ ग्लोबल हेल्प ऐप जी, तो ये कहीं पे भी आप जाएं आपके साथ, हम जो अभी फ़िलहाल तो हमने रोल आउट फेज़ इसका पाकिस्तान के अंदर किया है, और हम पाकिस्तान के इदारों को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अभी जो फर्स्ट फेज़ है, उसके बाद वील एक्सपैंड और हम बाहर के इदारों के साथ भी करेंगे और इसको एक ग्लोबल हेल्प सिस्टम की तरह से लेके जाएंगे। और एक और जो इसका फीचर है वो है SOS कॉन्टैक्ट्स का। SOS कॉन्टैक्ट्स में ये होता है कि आप अपने 5 SOS कॉन्टैक्ट्स डालते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जब भी आपको कोई इमरजेंसी होती है या कोई और आपको मसला होता है, क्राइसिस होता है, तो आपने जब फ्लैग रेस किया वो आपके SOS कॉन्टैक्ट्स के पास कहीं पे भी हो दुनिया में, वो चाहे UK में हो, US में हो, और आप पाकिस्तान में हो या फिर वाइस वर्सा, तो उनके पास ये आपकी डिटेल्स चली जाती हैं कि आप इस इमरजेंसी के अंदर हैं
और ये है आपके साथ हो। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं हशाम, आपका आइडिया ज़बरदस्त है। आपने जैसे कहा कि ये रोल आउट फेज़ में है, इसका भी बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है, इस ऐप को क्या हम ट्राई कर सकते हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? डू यू वांट टू रेज फंड्स फॉर इट? अभी आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो या आपके पास कोई फंडिंग मौजूद है इस आइडिया के लिए? ये अभी जो मेन जो फेज़ इसका चल रहा है, हमने काफ़ी लो की रखा है इसको भी, और हम अभी पहले फेज़ के अंदर हैं। इस वजह से हमने इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं की, इसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं की, लेकिन जो फर्स्ट मंथ के अंदर हमारे पास यूज़र्स आए हैं अराउंड मोर देन 10,000 यूज़र्स। वाओ, तो 10,000 यूज़र्स हमारे पास हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड वाइड भी। सही। और ये बेसिकली हमने पहले हमने मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं की, हम क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं इसको, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं और जो यूज़र्स का फीडबैक ले रहे हैं, और उसके अंदर फिर हम अभी जो मेन जो हमने कर रहे हैं वो इंटीग्रेशंस वगैरह करनी है। बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट इदारों के साथ इंटीग्रेशंस हो जाएं ताकि ये सर्विस हमारी चल सके। सही। और मुझे बताइए कि इसको स्केल अप करने के लिए आपको कितनी रकम दरकार होगी, या अभी आप समझ रहे हैं कि आप इसका मॉडल, इसके बग्स वगैरह को फिक्स कर रहे हैं और फिर आप वो अगले फेज़ में जाएंगे? ये इसके बग्स वगैरह, ये तो मतलब एक ऐप है जो चल रही है, अभी बेटा फेज़ में नहीं है ये, मतलब फुल प्रोडक्शन फेज़ के अंदर है। okay. मैं उस चीज़ की बात करूं कि मार्केटिंग हमने उस तरह से नहीं की इसकी। सही सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हशाम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इट्स अ ग्रेट आइडिया, वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।